इन फ्यूचर जो मैं देख रहा हूँ ये डिग्रीज ये मीनिंगलेस होती जाएंगी. व्हाट ऑल विल मैटर इज द स्किल एंड आई हैव कम अक्रॉस द पीपल कि जिन्होंने सारी जिंदगी में तालीम हासिल नहीं की बट दे हैड द स्किल और उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनको ये कंप्यूटर की स्किल्स भी हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल. Like to invite our honorable chief guest DIG Sajjad Hassan Khan Man Sahab to come on the stage and to enlighten the audience with your precious words. Assalamu alaikum. First of all, Wahab, I must congratulate you for arranging such a wonderful event for today, and especially जो आपने आज का दिन सिलेक्ट किया है आपने उसके लिए आई मस्ट अप्रिशिएट दैट बिकॉज बोथ ऑफ द कंपनीज आप देखते हैं कि सब अपने इवेंट्स कर रहे होते हैं एंड उनके सभी एनुअल इवेंट्स होते हैं जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर तमाम चीज़ें जो उनके फ्यूचर प्लान होते हैं और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं बट सिलेक्टिंग दिस डे इसके अंदर एक एडिशनल वो मोटिवेशन ऐड कर देता है कि हम इसको रिलेट करें अपनी तमाम प्रोग्रेस को अपने तमाम कामों को अपनी तमाम चीज़ों को पाकिस्तान के मफाद के साथ. मेरी जो मुलाकात वहाँ से हुई आई थिंक इस टुडे थर्ड और फोर्थ टाइम दैट आई एम मीटिंग देम और क्योंकि समर वेकेशन चल रही थी एंड आई वाज थिंकिंग के बच्चों का ये समर वेकेशन ज़ाया नहीं होनी चाहिए तो व्हाट दे शुड बी डूइंग व्हाट आई हैड इन माय माइंड कि आजकल क्योंकि आईटी का दौर है और आईटी ही जो है मैं फील करता हूँ कि फ्यूचर है तो इस वजह से बच्चों को ना कोई कोर्सेज करवाए जाएँ. तो आई ब्रॉट माई किड्स टू बी आई टी बी बिकॉज जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं हूँ तो हमारा बी आई टी बी से डिफरेंट वो चलते रहे हैं जिसके अंदर हम कुछ सॉफ्टवेयर तो इस तरह डेवलप करवाते रहे. तो इनके जी एम को जो कि मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी मैं उनके पास ले आया एंड देन ही हिमसेल्फ उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया वहाब के साथ विदाउट एनी सेट के साथ जो बेस्ट ट्रेनिंग है बी आई टी बी से बेहतर है कि हम आपको वहाब के साथ एसोसिएट करें तो ही विल बी इन अ बेटर पोजिशन जो आपके बच्चों को आप जो चाहते हैं वो आपको गाइड भी उनको करेंगे और उनको सिखाएंगे. आई एम पर्सनली अ नॉन टेक्निकल पर्सन जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कंप्यूटर कैसे बहुत काम करते हैं ऑल्दो मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करवाता रहा हूँ बट हम अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं और डेवलप कर देते हैं एग्जैक्टली कोई उसको प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है मेरी उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है. बट फिर मेरी एक जो सेटिंग वहाब के साथ हुई और इनका मैंने सेटअप यहाँ पर देखा और देन मैंने रिलाइज किया कि आई टी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इट्स नॉट ओनली अबाउट कि जी सॉफ्टवेयर बना दिया और कर दिया अभी आपके आने वाले दिनों में हर फील्ड के अंदर होगा मेड बी मेडिकल मेड बी इंजीनियरिंग मेड बी एनीथिंग. तो हम तमाम जिस तरह पेपरलेस काम होता जा रहा है तो तमाम का तमाम काम जो है और वो आई टी पे चला जाएगा. इट्स नॉट ओनली वन फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है साइबर क्राइम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है देयर आर नॉट मेनी अदर थिंग्स जो कि मेरे कुछ सिटिंग के बाद वहाब ने मुझे सेलेक्ट कराया एंड वहाब आई मस्ट अप्रिशिएट यू सेड यू आर नॉट अ गुड स्पीकर यू आर वेरी गुड स्पीकर ठीक है ना यू हैव माय आपकी कम्युनिकेशन स्किल जितना अच्छा होगा उतना आप अपना व्यू पॉइंट आके लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं. आई हैव सीन पीपल दे आर फिल्ड विद नॉलेज दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज लेकिन वहां पे लैक काम करते हैं उसको आगे फर्दर कम्युनिकेट करने के एंड नाउ सॉरी जो मुझे कहना था आपको आज का दिन मुबारक हो जश्न आजादी मुबारक और हमें आजादी को बहुत वैल्यू भी करना चाहिए और जो बात वहाब कॉन्ट्रीब्यूशन के पॉइंट से कर रहा था बेसिकली आई पर्सनली बिलीव कि वो कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी यही है कि हम ये क्लियर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो कि राइट और रॉन्ग की फॉर आर कंट्री है क्या. हमारा डायलेमा ये है कि हम कहते हैं कि जी सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए और सबको ठीक कर देना चाहिए लेस मी मुझे ना बाकी सबको ठीक कर दें वेयर एज करेक्शन वाला जो बेसिक उसका रूल है वो स्टार्ट ही आपकी पर्सनैलिटी से होता है कि सबसे पहले अपने आप को ठीक करें हर कोई अपने आप को ठीक करे वो ठीक होता जाएगा और जब आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से मुल्क के मफाद में चीज़ों को करेंगे तभी जाकर इस मुल्क के लिए बेहतरी आएगी बेहतर आप लोग यू आर द यूथ यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री सो यू शुड बी इन द राइट डायरेक्शन. नाउ कमिंग टू पी एंड वाई अभी जब मेरी मुलाकात हुई वहाब के साथ वहाब एंड सुलेमान मेरी बाद में मीटिंग हुई कि मीटिंग तो एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक किस्म के दो लोग जो कि जिनका एक विजन है एक मोटिव है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और वो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को इसके अंदर आई टी के अंदर कि मैंने इनके कैंपसेस को विजिट किया जो एक यहाँ पर है और एक जो इनका बेसिकली पार्ट टाउन के अंदर है
तो यकीन करें मुझे इसको देखकर बहुत खुशी हुई। खुशी मुझे इसलिए हुई कि बिकॉज द वे देयर द कैंपस इज डिजाइन, वो बड़ी डेलिब्रेशन मार्क्स है, आपको उसको किसी चीज़ को बहुत दिल के साथ, बहुत उसके साथ पैशन के साथ करते हैं, तो वो चीज़ें जिस तरह इन्होंने उसको बिल्डिंग को यूटिलाइज किया हुआ है वो रिफ्लेक्ट करता था कि उसके अंदर इन दोनों की पर्सनल अटेंशन, कॉन्ट्रीब्यूशन और पूरी डेडिकेशन है इसके अंदर। जो बात अभी वहाँ कर रहे थे जिसमें ये इमोशनल भी हो गए, फॉर सम रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम थोड़ा सा चूंकि वी बिकम यूज टू इट, बिकॉज इस तरह के अगर हम डेली इस तरह के मामले देख रहे होते हैं, बट आई थिंक के मुझे देख के बड़ी खुशी ये हुई है कि बिसाइड जो पहले मैं इनसे मोटिवेशन लेता था और इनसे मोटिवेशन आपको होती है देखने की, यार आपको एनर्जेटिक होना चाहिए, यू शुड गो गेटर टाइप आपको होना चाहिए, आपके गोल्स डिफाइंड होने चाहिए, आपको उनको परस्यू करना चाहिए, बट वो किधर लीड करेगा? वो लीड करेगा आपके पर्सनल सक्सेस की तरफ, वो आपको कामयाब करेगा, वो आपको यस डेफिनेटली जब आप कामयाब होंगे उसकी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी होगी। बट आज मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के और ये देख के, और ये लिटरली यू कैन ऑलवेज मेक अप फ्रॉम अ पर्सन बॉडी लैंग्वेज कि नहीं सिर्फ आपके लिए डेडिकेशन एंथुसियास्टिक होना जरूरी नहीं है, कंपैशन का होना उससे ज्यादा जरूरी है। तो जो भी आप काम करें उसमें डेडिकेशन के साथ कंपैशन को जरूर रखें, बिकॉज कंपैशन इज दैट वन थिंग जो कि सोसाइटी के अंदर बेहतरी को स्प्रेड करता है। मेरी से डिस्कशन होती थी सर कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहिए, बच्चों में स्किल्स होनी चाहिए एंड स्किल ही वैल्यू की जाती है। इन फ्यूचर जो मैं देख रहा हूँ ये डिग्रीज ये मीनिंगलेस होती जाएंगी, वॉट ऑल विल मैटर इज द स्किल, एंड आई हैव कम अक्रॉस द पीपल कि जिन्होंने सारी जिंदगी में तालीम हासिल नहीं की बट दे हैड द स्किल, और उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनको ये कंप्यूटर की स्किल्स भी हैं, दे आर वेरी सक्सेसफुल, किसी की मैट्रिक तालीम है, किसी की एफए तालीम है, बट वॉट ऑल मैट इज द स्किल, और वो बड़े कामयाब जा रहे हैं। ये दूसरी आई मस्ट कॉल द एप्रिसिएशन टू यू, आप मुझे देख के बड़ी खुशी हुई द वे यू डीड फॉर द पीपल फॉर द कंट्री, तो ये बड़े कम और रेयर लोगों में होता है जो कि बेसिकली होना चाहिए। तो मेरे आज के दिन के लिए आप सबके लिए पैगाम और यही होगा कि डिसाइड हैविंग दैट एनर्जी, हैविंग दैट मोटिवेशन, यू मस्ट हैव कंपैशन टू, कंपैशन वो आप जिस फील्ड में भी है उसमें करें तो आप यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कंट्रीब्यूट फॉर योर कंट्री। तो एंड टुडे आई वुड लाइक टू अगेन कांग्रेचुलेट यू, बिकॉज मैंने आज ज्यादा डिटेल में सुना है कि फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड और आज माशाल्लाह जहाँ पहुँच गए, और अगर आपको आज बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दें, और एक दफ़ा और आप सबको बहुत आज का दिन मुबारक हो, और एटलीस्ट आई एम टेकिंग दिस मैसेज फ्रॉम यू टुडे कि बिसाइड माई प्रोफेशन जिसमें मैं हूँ उसमें डेडिकेशन मोटिवेशन के अलावा मुझे कंपैशन भी कैरी करना है ताकि मैं सर्विस डिलीवरी को बेहतर कर सकूँ। आई थैंक यू ऑल, थैंक यू।